लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद कैबिनेट मंत्रियों के लिए फेयरवेल डिनर का आयोजन किया। वहीं राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस डिनर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद नई लोकसभा बनने से पहले इस इवेंट का आयोजन होता है। यह परंपरा कई सालों से चलती आ रही है। वहीं 2019 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भोज का आयोजन कराया।